गेंदे का फूल, गेंदा मराठी में क्या कहते हैं, झेंडू, यस झेंडू, झेंडू का फूल, गेंदे का फूल, अंग्रेजी में हम सब उसे मैरीगोल्ड कहते हैं, ये दुनिया की सर्वोत्तम औषधियों में गिना जाता है, बहुत अच्छी औषधि। इस झेंडू के फूल का इतना ताकत है, आपको याद है कई बार हमारे भारत देश के सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं, युद्ध लड़ते हैं, अभी थोड़े समय पहले आपको शायद याद होगा कारगिल युद्ध हुआ, उस कारगिल युद्ध में भारत के 680 सैनिकों को तो वीर गति प्राप्त हुई, शहीद हुए, और बाकी कुछ 1200-1300 सैनिक थे जो घायल हुए, किसी को गोली लगी, किसी को बम लगा, और सबको घाव भयंकर हो गए। आप किसी भी मिलिट्री हॉस्पिटल में जाएं तो आपकी आंखों से देखेंगे कि जिन सैनिकों को भयंकर चोट लगती है, घाव होता है, गोली लगती है, दम लग जाता है, उन सबको यही दिया जाता है, झेंडू के फूल का रस, झेंडू के फूल की चटनी। झेंडू के फूल की चटनी अगर बना के उसको लेपन किया जाए तो बड़े से बड़ा घाव भर जाता है, और ये रस पीने को दिया जाए और जल्दी भर जाता है। तो जब कारगिल युद्ध के समय अपने सैनिकों को, जिनको घायल होने की सूचनाएं थी, सबको हॉस्पिटल के अंदर यही उपयोग में लाया गया, और बहुत अच्छे परिणाम है। इस झेंडू के फूल को हमेशा घर में बना के रखिए, किसी भी तरह की चोट में अद्भुत काम करता है, ये सबसे बड़ा एंटीसेप्टिक है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे अच्छा एंटीसेप्टिक पूरी दुनिया में नहीं। और अगर झेंडू के फूल की चटनी बनाएं और इसमें थोड़ा खोरपट का रस मिलाएं तो बिल्कुल सोने में सुहागे जैसा काम करता है, बहुत ही अद्भुत कॉम्बिनेशन है, झेंडू के फूल की चटनी और खोरपट का रस मिक्स करके खराब से खराब घाव पर लगा दीजिए, पूरा शरीर सड़ गया हो ऐसे लोगों को लगा दीजिए। मैंने इसका उपयोग किया है कोड़ियों पर, आप जानते कुछ लोग कोड़ी हो जाते हैं, शरीर का अंग उनका गलना शुरू कर देता, उनके शरीर के गले हुए अंगों पर जब मैंने ये लगा दिया तो उसी के बाद उनका गलना बंद हो गया शरीर। तो आप इसको घर में लगा के रखिए, झेंडू के फूल का सबसे अच्छा उपयोग है, शरीर के बाहर के अंग में कहीं भी चोट लगे, किसी भी तरह से गोली लग गई हो, बम लग गया हो, एक्सीडेंट की चोट हो, जल्दी से उसको भरना हो, हील करना हो, तो ये बहुत अच्छी औषध है, जिसको आप झेंडू का फूल कहते हैं। सारे देशभक्त हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।